यानी इस इलस्ट्रेशन में हमने ये समझा कि ए अपने इस फील्ड को बी को ट्रांसफर करता है एज ए गिफ्ट। डोनर कौन है? ए है। हु इज डोनिंग? बी। अब बी के सहमति से कि ए इस फील्ड को वापस से अपने पास लाएगा इन केस बी और उसके डिसेंडेंट्स ए के जीवित रहते मर जाते हैं तो बी से ले लेगा। तो यहां पे देखो, गिफ्ट के जितने पार्ट पर डोनर का विल डिपेंड करता है उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या होगा? वॉइड होगा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिफ्ट विल बी वैलिड। यानी गिफ्ट के जितने पार्ट पर डोनर की मर्जी चलनी है या गिफ्ट का जितना पार्ट का एग्जीक्यूशन डोनर के विल के अकॉर्डिंग होना है उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट वॉइड होगा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 126 स्टेट्स व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, तब गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। नाउ सस्पेंशन और रिवोकेशन, सबसे पहले इन दो वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं। चलिए, सस्पेंशन का मतलब है टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग फॉर अ टाइम, जबकि रिवोकेशन का मतलब है टू कैंसिल समथिंग ऑफिशियली एंड मेकिंग इट इनवैलिड। यानी सस्पेंशन का मतलब है किसी चीज को कुछ समय के लिए कैंसिल कर देना, जबकि रिवोकेशन का मतलब है किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल करना और उसे इनवैलिड डिक्लेयर करना। राइट, तो सेक्शन 126 कहता है व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। क्लियर है? इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने चार पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन चार पॉइंट्स के माध्यम से हम उन सभी कंडीशंस को या उन सभी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे जिसके तहत गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, द डोनर एंड डोनी। डोनर और डोनी, हु आर दे? ये है पार्टीज ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। डोनर एंड डोनी, दे आर पार्टीज ऑफ गिफ्ट। तो डोनर एंड डोनी मे अग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट गिफ्ट शैल बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड। देखो, डोनर और डोनी इस बात पे अग्री कर सकते हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट, इस स्पेसिफिक इवेंट के हैपन होने पर या कंप्लीट होने पर गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। तो अगर वो स्पेसिफिक इवेंट हैपन होता है तो गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। क्लियर है? यानी पहले पॉइंट में हमने ये जाना कि गिफ्ट का सस्पेंशन या रिवोकेशन डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए गिफ्टेड हिज फील्ड टू बी। ए ने अपने इस फील्ड को बी को एज ए गिफ्ट दिया विथ बीज एसेंट। अब बी के सहमति से कि ही रिजर्व्स राइट टू टेक बैक फील्ड इन केस बी
एंड हिज डिसेंडेंट्स डाइज बिफोर ए। यानी इस इलस्ट्रेशन में हमने ये समझा कि ए अपने इस फील्ड को बी को ट्रांसफर करता है एज ए गिफ्ट। डोनर कौन है? ए है। हु इज डोनी? बी। अब बी के सहमति से कि ए इस फील्ड को वापस से अपने पास लाएगा इन केस बी और उसके डिसेंडेंट्स ए के जीवित रहते मर जाते हैं तो, राइट? यानी अगर बी एंड हिज डिसेंडेंट्स डाइज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए, फील्ड विल रिवर्ट बैक टू ए। जो फील्ड है, जिस फील्ड को ए ने बी को एज ए गिफ्ट दिया है, वो वापस से ए के पास आ जाएगा, ठीक है? अब मान लो बी इज हैविंग नो डिसेंडेंट्स एंड डाइज इन एज लाइफ टाइम। अब क्योंकि बी का कोई डिसेंडेंट नहीं था और बी की मृत्यु ए के जीवित रहते हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि स्पेसिफिक इवेंट गेट्स हैपेंड, अब क्योंकि जिस स्पेसिफिक इवेंट को डोनर और डोनी ने मेंशन करा था वो स्पेसिफिक इवेंट फुलफिल हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डोनर के पास ये राइट है कि वो उस फील्ड को वापस से अपने पास ला सकता है। क्लियर है? तो पहला सिचुएशन या पहला कंडीशन जिसमें हमने देखा कि रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट। क्लियर? ओके, अब दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं, कब गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जाएगा। क्लियर? द डोनर एंड डोनी मे अग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट एंड दैट इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ डोनर गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। अब कह रहा है डोनर और डोनी अग्री होते हैं इस बात पे कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट, और वो जो स्पेसिफिक इवेंट है जिसके हैपन होने के बाद या जिसके पूरा होने के बाद गिफ्ट का सस्पेंशन और रिवोकेशन होना है, दैट स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन विल ऑफ डोनर। क्या कहा गया? कि ये जो स्पेसिफिक इवेंट है वो मस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ डोनर, डोनर के मर्जी के अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी दैट स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ डोनर। अगर ऐसा होता है तभी गिफ्ट का सस्पेंशन या रिवोकेशन होगा। लेकिन अगर डोनर और डोनी इस बात पे अग्री होते हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट, और अगर वो स्पेसिफिक इवेंट डोनर के विल के अकॉर्डिंग है, तब गिफ्ट को वॉइड माना जाएगा, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो ए गिव्स रुपीज 1 लाख, ए 1 लाख रुपए एज ए गिफ्ट देता है किसको? बी को, ठीक है? विथ बीज एसेंट, बी के सहमति से कि ही हैविंग राइट टू टेक बैक दिस अमाउंट एट एनी टाइम आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर, ठीक है? देखो ए बी को 1 लाख रुपए देता है और बी के सहमति से वो एक राइट रिजर्व करता है खुद के लिए कि फ्यूचर में, नॉट एट प्रेजेंट, लेकिन फ्यूचर में किसी भी टाइम जब भी उसका मन करेगा वो इस 1 लाख रुपए को वापस से बी से ले लेगा। नाउ देखो जो स्पेसिफिक इवेंट है विच इज टेकिंग बैक ऑफ रुपीज
1 lakh from B. It totally depends upon will of donor. तो अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट है, जो स्पेसिफिक इवेंट डोनर के विल के अकॉर्डिंग है, तो वैसे कंडीशन में जो गिफ्ट होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा, और उस सिचुएशन में रिवोकेशन या सस्पेंशन का कोई बात नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गिफ्ट इज कंप्लीटली वॉइड. क्लियर? चलो, तो कह रहे हैं द गिफ्ट शैल बी वॉइड कंप्लीटली एज इट डज नॉट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ वैलिड गिफ्ट. क्लियर? लेकिन सपोज करो इस सेम इलस्ट्रेशन में अगर हम कुछ वेरिएशंस कर दे या डोनर कुछ वेरिएशंस कर दे, तब क्या होगा? जैसे मान लो ए गिव्स रुपीज 1 lakh टू बी. ए बी को 1 lakh रुपए देता है विथ बीज एसेंट, बी के सहमति से, कि हिज राइट टू टेक बैक रुपीज 10,000 आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर फ्रॉम दैट अमाउंट. ए ने बी को 1 lakh रुपए दिया और बी का एसेंट है, मतलब बी की सहमति है कि ए उस 1 lakh रुपए में से 10,000 रुपए आफ्टर सम टाइम्स किसी भी समय बी से ले लेगा. तो यहां पे देखो, गिफ्ट के जितने पार्ट पर डोनर का विल डिपेंड करता है, उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या होगा, वॉइड होगा, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिफ्ट विल बी वैलिड. यानी गिफ्ट के जितने पार्ट पर डोनर की मर्जी चलनी है या गिफ्ट का जितना पार्ट का एग्जीक्यूशन डोनर के विल के अकॉर्डिंग होना है, उतना पार्ट ऑफ गिफ्ट वॉइड होगा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. जैसे यहां पे उसके पास राइट है, डोनर के पास राइट है कि वो 10,000 रुपीज को जब चाहे तब ले सकता है बी से. तो अब क्योंकि दिस 10,000 रुपीज बिलोंग्स टू ए एंड इट डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ डोनर, तो इतना पार्ट ऑफ गिफ्ट यानी 10,000 रुपीज ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एंड रिमेनिंग 90,000 रुपीज ऑफ गिफ्ट क्या होगा, वैलिड हो जाएगा. यहां पे कह रहा है द पार्ट ऑफ गिफ्ट विच डिपेंड्स अपॉन विल ऑफ डोनर वो क्या होगा, वॉइड होगा, एंड नो क्वेश्चन अराइजेस एज टू इट्स सस्पेंशन और रिवोकेशन. क्योंकि जो पार्ट ऑफ गिफ्ट है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द विल ऑफ डोनर, तो वो क्या है, वॉइड है. इस एग्जांपल में हमने समझा, तो कोई भी रिवोकेशन या सस्पेंशन का बात ही नहीं है. ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे हम समझते हैं. अब एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, देखो कह रहा है गिफ्ट शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एंड एट मेयर विल ऑफ डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट एज द केस मे बी. यानी यहां पे कहा जा रहा है जो गिफ्ट है इट शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट. ठीक है? जैसे मान लो यहां पे क्या था, यहां पे ये था कि अगर बी और उसके डिसेंडेंट्स ए के जीवित रहते मर जाते हैं, तो पूरा जो गिफ्ट होगा वो क्या होगा, रिवोकेबल होगा. यानी गिफ्ट इज रिवोकेबल होली पूरी तरह से या इन पार्ट. ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी कि गिफ्ट का रिवोकेशन होली होगा या इन पार्ट होगा. क्लियर? और आगे कह रहा है एंड एट मेयर विल ऑफ डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट
एज द केस मे बी, यानी ये कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक इवेंट है और वो डिपेंड है ऑन द विल ऑफ डोनर, तो अगर पूरा इवेंट डिपेंड है ऑन द विल ऑफ डोनर तो वो क्या होगा, वॉइड होगा, होली। और यदि गिफ्ट का कुछ पार्ट डिपेंड कर रहा है ऑन द हैपनिंग ऑफ विल ऑफ डोनर या ऑन द बेसिस ऑफ विल ऑफ डोनर, तो केवल उतना पार्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, ये था। अब देखो, अब हम तीसरे पॉइंट या तीसरे सिचुएशन या तीसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जब हम गिफ्ट का सस्पेंशन या रिवोकेशन कर सकते हैं। क्लियर है, आइए उसे भी समझ लेते हैं।